नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षक इस टीम की ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के सबसे प्राचीन बांध सहसपुर बांध की ओर ले जाने वाले हैं। इस बांध की खूबसूरत वीडियो के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि माँ बम्लेश्वरी और कबीर टेकरी का भी वीडियो। लेकिन इसके पहले हम आपसे चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे जिससे हमारे द्वारा न्यू अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। दोस्तों, यह सहसपुर बांध जो कि सहसपुर लोहारा विकास खंड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कबीरधाम जिला से इसकी दूरी देखा जाए तो 23 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम सहसपुर की ओर और इस बांध के प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारे की ओर आगे बढ़ते हैं। सहसपुर बांध तक पहुँचने के लिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत आज सहसपुर लोहारा जनपद मुख्यालय से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सहसपुर तक पहुंचने के लिए महरा टोला, छीर बांधा आदि ग्रामों को पार करते हुए हम सहसपुर तक पहुंच जाते हैं। यह सहसपुर जो देखने में अत्यंत छोटा नजर आ रहा है, यह 84 गांव के रियासत के राजा सहस्त्रबाहु की राजधानी मानी जाती है। प्राचीन काल में इस ग्राम का नाम सहस्त्रपुर था जो अपभ्रंश वश सहसपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम सहसपुर ग्राम को पार करते हुए बांध के समीप पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हम सहसपुर पहुंच चुके हैं और सहसपुर बांध के ठीक मध्य ऊपर पर हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बांध का खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी दाहिनी ओर माँ बम्लेश्वरी का धाम है और इसी तरह मेरी बाईं ओर कबीर टेकरी है। मैं इन दोनों का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस बांध की खूबसूरत प्रकृति का और इनके रहस्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखने में इतना खूबसूरत बांध जो सहसपुर लोहारा विकास खंड का सबसे पुराना बांध माना जाता है। आसपास बसे हुए पुराने लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इस बांध का निर्माण भोरमदेव काल के समय हुआ था। इस बांध का निर्माण राजा महाराजाओं के द्वारा कराया गया था। वैसे कबीरधाम के इतिहास में इसे लगभग 1100 वर्ष पुरानी स्थान मानी जाती है जो भोरमदेव के मंदिर और सहसपुर ये दोनों को स्थान एक ही बराबर कहा जाता है। राजा महाराजा लोग इस बांध का निर्माण सिंचाई या फिर किस उद्देश्य के लिए कराया था यह कह पाना अभी संभव नहीं है। यह भी बताया जाता है कि प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर भोरमदेव के लिए मूर्तियां यहीं पर बनाई जाती थी। जो मूर्ति निर्माण के समय टूट जाते थे उसे इस बांध में विसर्जित कर दिया जाता था। यह बांध देवी पहाड़ी एवं कबीर टेकरी पहाड़ी दोनों पर्वतों को आपस में जोड़कर बनाया गया है तथा करनाला नदी के जल को डाइवर्सन कर इस बांध पर पानी भरने का साधन उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में इस बांध के जल से लगभग 10,000 किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो रहा है। इस बांध के पाट पर प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है। यहाँ कबीर पंथियों के द्वारा निःशुल्क भोग भंडारा का आयोजन भी किया जाता है जहाँ प्रतिदिन लगभग 30,000 से भी अधिक लोग प्रसादी भोजन ग्रहण करते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन कई लोग सूर्य और चंद्रमा दोनों को एक साथ देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। एक ओर अस्त होता सूर्य तो दूसरी ओर उदय होता चंद्रमा यहाँ पर खूबसूरत दृश्य के रूप में पहाड़ों में दिखाई पड़ते हैं।
इसी बांध से लगा हुआ एक प्राचीन शिवलिंग, जिसके संबंध में मान्यता है कि जो भी स्त्रियां आंचल फैलाकर शिव जी से श्रद्धा पूर्वक अपनी बात रखती थी, शिव जी उनकी आंचल में चले जाते थे और मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। किंतु अब ऐसा नहीं है। इस बांध का सबसे खूबसूरत जगह जहाँ पर एक प्राचीन बरगद का वृक्ष है जो अत्यंत ही खूबसूरत है, इसे सेल्फी जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग फोटो खींचते हुए नजर आते ही रहते हैं। यह स्थान शहरी शोर शराबे से मुक्त एवं प्राकृतिक खूबसूरत वातावरण होने के कारण प्रतिदिन दीपावली के पश्चात से यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। आज हम भी अपने परिवार सहित यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे से जो सीढ़ियाँ गई है, यह सीढ़ी माँ बम्लेश्वरी मंदिर की ओर आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, हम इस सीढ़ी से होकर माँ बम्लेश्वरी के मंदिर तक पहुँचते हैं। आसपास रहने वाले लोग इस पहाड़ी को देवी पहाड़ी के नाम से जानते हैं और यहाँ पर विराजमान माँ बम्लेश्वरी को बम्लई दाई के नाम से जानते हैं। यहाँ माँ बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए श्रद्धा पूर्वक आए हुए लोगों में ऐसे व्यक्ति जो अपने घर में 10 सीढ़ियों को भी नहीं चढ़ पाता, वह यहाँ पर स्थित 110 सीढ़ियों को भी आसानी से चढ़कर ऊपर बने माँ बम्लेश्वरी के मंदिर तक पहुँच जाते हैं। इस दौरान रास्ते पर चलते हुए इन सीढ़ियों को पार करते हुए हमें आसपास बड़े बड़े साल सागौन के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त हमें कई वन्य औषधियों से भरपूर पौधे भी दिखाई पड़ते हैं। अभी जहाँ पर आप माँ शिवायनी की मंदिर अर्थात बम्लेश्वरी स्थान पर हैं, वहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चैत नवरात्रि में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हम इस वक्त सहसपुर जहाँ स्थित है माँ बम्लेश्वरी का धाम, वहाँ पहुँच चुके हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि भक्तों की भीड़ जो माता के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही है। यहाँ पर प्राचीन विराजमान माँ बम्लेश्वरी, जिसे सहस्त्रपुरी के राजा ने अपने कुल देवी के रूप में स्थापित कराया था। यहाँ पर माननीय कुमार यशवंतराज सिंह जी, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके द्वारा स्थापित भगवान शिव जी का शिव परिवार मंदिर भी है, जहाँ भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिक, गणेश जी और नंदी जी का मंदिर भी है। देवी पहाड़ी और वहां विराजमान माँ बम्लेश्वरी तथा शिव परिवार के दर्शन के पश्चात हम नीचे इन सीढ़ियों के माध्यम से ही उतर कर आते हैं और हम कबीर टेकरी पहाड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हम सहसपुर बांध के ठीक दाहिनी ओर हैं। मेरे पीछे बनी हुई इन सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं और कबीर टेकरी का दर्शन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ऊपर पहाड़ी पर चलते हैं और कबीर टेकरी का दर्शन करते हैं। कबीर टेकरी के नाम से प्रसिद्ध यह पहाड़ी, जो आसपास की पहाड़ियों में काफ़ी ऊंची स्थान पर है। संत कबीर
चरण पादुका स्थल तक पहुंचने के लिए हमें यहां से लगभग 400 सीढ़ियों को पार करने की आवश्यकता होती है। इन 400 सीढ़ियों को पार करने में हमें कोई कठिनाइयां महसूस नहीं होती। क्योंकि सीढ़ियां पार करते वक्त हमें बड़े बड़े सागौन एवं अन्य कई प्रकार के वृक्षों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ऊंची पहाड़ियों से आसपास के गांव और बांध का भी नज़ारा अत्यंत स्वच्छ और साफ नज़र आता है। ऊंची पहाड़ियों से जंगल और बांध का नज़ारा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य बांध के अंदर ही सूर्यास्त हो रहा है। अब हम लगभग 400 सीढ़ियों को पार करके कबीर टेकरी के समीप पहुंच चुके हैं। हमें यहां से कबीर टेकरी स्थल साफ साफ नजर आ रहा है। यह कबीर टेकरी जो कबीरपंथियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, यहां पर चौका आरती का आयोजन भी समय समय पर होता ही रहता है। बताया जाता है कि कबीरदास के परम भक्त संत धर्मदास जी, जिन्होंने संत कबीरदास जी के छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर भ्रमण के दौरान यहाँ पर अपने साथ लाए थे, यहाँ पर कबीरदास जी का चरण पादुका भी देखने को मिलता है। यह भी बताया जाता है कि संत कबीरदास जी के 9वें शिष्य वंशज ने यहाँ आकर अपनी तपस्या पूर्ण की थी। हम कबीरधाम जिले वासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि ऐसे प्राकृतिक पहाड़ी एवं बांध, ऐसे धरोहर जहाँ पर संत कबीरदास जी जैसे महान संत का आगमन हुआ, उस धरती को हम अपने YouTube टीम भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षक के माध्यम से सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, यह सहसपुर का जो रहस्य है इतना ही नहीं, और भी बाकी है जो कि इस वीडियो में दिखा पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के उस पार वन्य जीव जंतु निश्चिंत होकर विचरण करते हैं, इनका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। और बताना चाहता हूँ कि इस पहाड़ी के कुछ थोड़ी दूर में एक साइड में एक ऐसा तालाब है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति पत्थर मारता है तो उस छोटे तालाब से पत्थर कभी भी पार नहीं होता। और इसी तरह इस पहाड़ी के थोड़ी दूर में एक ऐसा जगह है जहां पर हमेशा ही जल उद्गम होते रहता है, जिसे गुप्त गंगा का नाम दिया गया है। इसका वीडियो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने इष्ट मित्र और साथियों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।